नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन और वेदास वर्सेस साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज अभी चल रही है राजयोग के ऊपर चल रही है, राजयोग में हम लोग बात करें पंच महापुरुष योग, ये तीसरा पार्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पंच महापुरुष की बात करते हैं। पांच ग्रहों से बना गया ये योग को पंच महापुरुष योग बोलते हैं। जैसे पहले पार्ट में हमने देखा रुचक योग के बारे में, दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियो के अंदर हमने देखा भद्र योग, और अभी तीसरा पार्ट के ना हम देख रहे हैं हंस नाम का राजयोग। दोस्तों ये योग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महापुरुष उसमें पंच महापुरुष योग के अंदर ये जो हंस नाम का राजयोग है वो बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो ये योग इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान से सुनिए। जो हंस नाम का राजयोग है वो गुरु ग्रह बनाता है। देखो गुरु हमारे सौर मंडल में 7 प्लैनेट है, उसमें गुरु सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अच्छा प्लैनेट है, सौम्य प्लैनेट है। गुरु के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं गुरु हमको क्या देता है। तो गुरु हंस योग बनाता है, कैसे बनाता है मैं आपको बताता हूं। ये हाउस है दोस्तों, वापस मैं बोल रहा हूं, ये 12 हाउस है। अभी नियम ये है, गुरु जब भी अपनी स्वराशि, मतलब स्वराशि का मतलब है अपनी खुद की राशि या अपनी उच्च की राशि, गुरु की दो राशि है यहाँ, धनु और मीन, मतलब 9 और 12, 9 नंबर 12 नंबर, हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, राशि की बात कर रहा हूँ। 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, और गुरु जो उच्च का होता है वो कर्क 4 नंबर की राशि है, वहाँ गुरु उच्च का होता है। अगर गुरु उच्च का और अपनी खुद की राशि में हो के अगर 1, 4, 7, 10 ये 4 हाउस में से किसी एक हाउस में अगर ये कंडीशन में बैठा है तो मतलब आपको पंच महापुरुष में हंस नाम का राजयोग आपको होगा। कैसे होगा मैं आपको यहां बताता हूं। अगर जो धनु राशि, जो हमारी धनु राशि है, जो हमारी धनु राशि है वो 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर की राशि है, अगर गुरु धनु राशि में यहाँ बैठा हुआ है, या फिर धनु राशि में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, या धनु राशि में गुरु 7वें स्थान में बैठा है, या धनु राशि में गुरु 10वें स्थान में बैठा है, अगर ये 4 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में गुरु है तो वो कुंडली के अंदर हंस नाम का राजयोग होता है। दोस्तों ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं दोस्तों आपको, मीन राशि 12 नंबर की राशि होती है, अगर गुरु मीन राशि का पहले स्थान में, मीन राशि का गुरु 4थे स्थान में, मीन राशि का गुरु 7वें स्थान में, मीन राशि का गुरु 10वें स्थान में, अगर गुरु मीन राशि खुद की राशि है, अगर 1, 4, 7, 10 में से किसी भी एक स्थान में बैठा है तो पंच महापुरुष योग में से हंस नाम का राजयोग होता है। दोस्तों ये भी राजयोग का फल देगा। तीसरी कंडीशन ध्यान से देखिए, कर्क राशि, कर्क 4 नंबर की राशि है, अगर गुरु कर्क राशि में गुरु उच्च का बनता है, वो अपनी उच्च की राशि है, तो यहाँ ये एरो देखा जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली में देखोगे तो आपको ऐसा एरो भी दिखेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन कर्क राशि में गुरु अपना उच्च का और बहुत ही अच्छा फल देगा। अगर गुरु उच्च का होके कर्क राशि में 4थे स्थान में, कर्क का गुरु 7वें स्थान में, कर्क का गुरु 10वें स्थान में अगर उच्च का होके बैठा है 1, 4, 7, 10 में तो पंच महापुरुष में हंस नाम का राजयोग होता है। दोस्तों देखो तीन सिचुएशन बताई, एक धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि में अगर ये केंद्र स्थान में गुरु बैठा हुआ है पंच महापुरुष में, सबसे अच्छा हंस योग
होता है और हंस योग बड़ा बहुत ही बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से बहुत ही बड़ा राजयोग है। बहुत सारे महानुभावों के अंदर ये राजयोग है। तो ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बोला, जाने से पहले, यहाँ खाली ग्रह मैटर नहीं करता, यहाँ डिग्री भी मैटर करती है। यहाँ पे एक डिग्री जो आती है, प्लैनेट की डिग्री 18 डिग्री 10 डिग्री, डिग्री भी मैटर करती है दोस्तों। खाली आप ऐसे मत बोलना गुरु यहाँ बैठा है तो राजयोग हो गया, ये डिग्री मैटर, अगर डिग्री कम या ज़्यादा हुई तो ये राजयोग का फर्क आगे या पीछे हो सकता है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में भी ये राजयोग है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा उसका फल आपको कब मिलेगा। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि राजयोग आपके कुंडली में होगा तो आप राजा बन जाओगे, उसकी भी एक टाइम पीरियड होता है कि किस पीरियड में वो राजयोग का फल आपको मिलेगा दोस्तों। अभी राजयोग, हंस नाम का राजयोग अगर किसी व्यक्ति में है तो उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो ऐसे आदमी आध्यात्मिक होंगे, देखो गुरु है तो ऑब्वियसली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आदमी होंगे ऐसे लोग। ऐसे आदमी पवित्र मन वाले, गुरु किसी को गलत काम करने नहीं देता, तो ऐसे पवित्र मन वाले, लंबी आयु वाले, क्योंकि ये लोग शांत होते, गुस्सा नहीं होता है तो उसकी आयु बहुत ही लंबी हो जाती है दोस्तों। शुद्ध चरित्र, उनका चरित्र मतलब उसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा दोस्तों। सत्यवचनी आदमी, ज़्यादातर ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यवचनी होंगे और सम्मान देने वाला। देखो सम्मान तो सब कोई लेने की चाहना रखता है, लेकिन ऐसे आदमी सम्मान देने वाला होता है, दूसरे को सम्मान देने वाला होता है। अगर किसी की कुंडली में पंच महापुरुष में हंस नाम का योग रहता है तो उसकी व्यक्तित्व, उसका स्वभाव ऐसा हो सकता है, लेकिन डिग्री मैटर करती है दोस्तों। यहाँ पे किसकी कुंडली में ये योग पाया गया है तो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, हमारे आदि गुरु है शंकराचार्य है, उसकी कुंडली में है। वी शांतारामन, राहुल द्रविड, अविन घोष, इंद्र कुमार गुजराल, विक्रमादित्य और गुलशन कुमार। दोस्तों ये नाम आपने बहुत ही अच्छे तरह से सुने। बॉलीवुड में हमारी संस्कृति को लाने वाला सबसे पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर यही था। गीत गाने लाने वाला, मतलब धार्मिक चैनल चालू करने वाला भी पहले यही था। और उसकी मृत्यु कैसे हुई है आप जानते हो दोस्तों। पंच महापुरुष लोग सत्य निवचे सीधे रहते हैं तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी ज़्यादा लोग बन जाते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको हंस राज, हंस नाम के राजयोग के बारे में बताया। अगर आपकी कुंडली में भी राजयोग है तो आप हमको ज़रूर भेजिए। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से कीजिए, क्योंकि हम ये सीरीज़ का चौथा वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।